यस, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट वॉश करने की, कि आप किस तरह से एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अपना ब्लैंकेट बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। ये डबल प्लाई का ब्लैंकेट है, ये इसमें हमने डाल दिया है और अभी हम इसमें डालेंगे सरफ। वैसे तो व्यूअर्स ये डिटर्जेंट बॉक्स बना हुआ है, लेकिन हम इसको इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें ना आधा डिटर्जेंट बीच में ही रह जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही डाल देते हैं। तो पहले भी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि डिटर्जेंट बॉक्स किधर है, तो इसलिए मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया क्योंकि मैं खुद यूज़ नहीं करती। तो खैर अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। वैसे पहले हमने इसका बटन ऑन कर दिया था, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। दोबारा से आपके सामने इसको करती हूँ ऑन। ये ऑन करते ही आपको इस तरह का डिस्प्ले शो होगा, ठीक है, टू टाइम रिंस हो और ये सारा कुछ इसी तरह शो होगा। वाटर लेवल हम इन 5 से 6 पे ले जाते हैं। तो और अब इसको करते हैं हम स्टार्ट। जैसे हम स्टार्ट करेंगे पीछे से टैप खुली होगी और यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे शो हो रहा है। तो मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिसमें मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करने का कंप्लीट तरीका बताया, एक एक फंक्शन समझाया है और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं कि सम टाइम व्यूअर्स कहते हैं कि यहाँ पर P1 लिखा हुआ आ जाता है, एरर लिखा हुआ आ जाता है, उसकी रीज़न बता दें। तो उसकी भी रीज़न है कि भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं आ रही होती, बाज को लाइट डिम होती है, बाज को बिल्कुल हल्की सी डिम होती है जो आपको पता नहीं लगता कि घर में लाइट जो वो डिम हुई है। इस वजह से जब आप वॉशिंग मशीन ऑन करते हैं तो P1 लिखा हुआ आ जाता है, या फिर बाज़ बात इस तरह से भी वो शोर मचाना शुरू कर देती है, बीप करना शुरू कर देती है जब उसे पानी की नीड हो और टैप खुली हुई ना हो पीछे से, तब भी ये कुछ होता है। और ब्लैंकेट अच्छे से वॉश करने का जो ट्रिक है वो मैं अभी आपको मिनट में बताऊंगी, जैसे ही इस ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी और इसका टाइम 20 पे पहुंचेगा फिर मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है। ये स्टार्ट हो चुकी है, अब आप देखना कि ये कैसे जो है इससे सारे ब्लैंकेट को खुद ही अंदर ले लेगी और सारा ब्लैंकेट खुद ही वेट हो जाएगा। बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे ये भी पूछा कि आपकी वॉशिंग मशीन कितने केजी की है, तो ये 8 केजी की है। ओके, तो व्यूअर्स ये 31 पे टाइम पे आ चुकी है। मैंने आपको 20 का बोल दिया था, मेरे माइंड में ये था कि वन टाइम रिन है, अगर वन टाइम रिन लगा होता तो 20 मिनट का आपने वेट करना है, ठीक है, और लेकिन ये टू टाइम रिन पे लगी हुई है, इसलिए ये जैसे ही 31 पे पहुंचेगी हम इसको कर देंगे पावर ऑफ। कर दिया इसको पावर ऑफ, अब हम इसको दोबारा से करेंगे स्टार्ट। जब हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे तो इसका दोबारा से वॉशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया है, उसे पानी की नीड नहीं है, वो वहीं से स्टार्ट हो गया पानी लिए बगैर। तो इस तरह से क्या होगा कि वैसे तो आप देख सकते हैं कि यह वॉश टाइम जो है ये 12 मिनट शो कर रही है, इस तरह मैंने बीच में ऑफ करके दोबारा से ऑन किया है जिसकी वजह से ये दोबारा स्टार्ट हुई है और दोबारा से इसने वॉशिंग प्रोसेस वहीं से स्टार्ट कर दिया है। अब ये दोबारा से 12 मिनट इसको वॉश करेगी, इस तरह कंबल को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वॉश होने का और ये अच्छे से वॉश हो जाएगा। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने इसका ढक्कन फिर उसके बाद बंद रखना है, क्योंकि जब तक वॉश हो रहा है तब तक तो खैर है, लेकिन जैसे ही उसने ड्रेन करना होगा वाटर को, उसके बाद जैसे ही वो स्पिन करेगी रिन करेगी, तो उस वक्त अगर इसका ढक्कन बंद नहीं होगा तो मशीन जो है वो रुक जाएगी और बीप करना शुरू कर देगी। जैसा कि गाइस मैंने आपके सामने इसको रीस्टार्ट किया है, अब इसको हम इसी के हाल पे छोड़ देंगे और ये अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, ये खुद ही जब स्पिन कर देगी रिन कर देगी, एंड में हम इसका ब्लैंकेट बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे रिजल्ट के ब्लैंकेट कैसा वॉश हुआ।